the next day. Hello, beautiful people. आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे मामू के साथ और इधर नईम भाई के साथ. हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई. चिकन कद्दू. ये कढ़ाई चिकन कढ़ाई नहीं होगी, ये है देश का कढ़ाई. ये इतना बड़ा देश का, ये ग्राइंडर और ये साथ इसके शैंडी, ये प्याज टमाटर, ये सारे मसाले. और ये मेरे मामू आज होंगे यहाँ पे कुक और इनकी मदद करेंगे नीम भाई. और ये हमारा है चूल्हा. बोल दस है नानू की है उर्दू च दस ना उर्दू दस. ये रिजवान का भाई घर है. हाँ, इसमें रिजवान भाई का बचपन गुजरा है. जंपल इधर ही हुई है. इसमें छोटे छोटे बच्चे होते थे जब रिजवान, तो इधर ही खेलते थे, इसी घर में रहते थे. अपने थले वेला हम गिरते ले आके. ये सड़क जो आप देख रहे हैं बनी हुई, पहले यहाँ तक थी, जंप तक, उससे आगे सड़क. पाकिस्तान की बड़ी नायाब चीज है, इसको मक्की का दर्द होता है, मक्की का पौधा है, ये फसल है. नहीं नहीं, उर्दू में ये छली इसमें लगती है, ये बड़ी टेस्टफुल छली होती है. खाने के मामले में ये इसका आटे से भी आटा भी बनता है, आटे की रोटी भी होती है इसके आटे की. और वैसे छली को वैसे भी खाते हैं. ये इसको इसमें आग में दबा के इसको पकाया है और इसके साथ ये मसाला भी लगा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा और मज़ेदार टेस्ट है इसका. तो अगर आप खाएंगे तो इसकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी, इसमें तकलीफ भी बड़ी होती है और टेस्टफुल भी बहुत है. नहीं, मैं आ गई. ये इनकी तरफ से गिफ्ट मुझे मिला है. ये मैंने आप भाई को गिफ्ट किया. ये चली आशिर भाई, आशिर भाई से मिल लिया आपने? जी जी, मिल लिया. कहाँ के रहने वाले? जंग के रहने वाले. अच्छा, ये मोहसिन खान है, जंग के रहने वाले. जंग के रहने वाले, मियां वाली मछली बेच रहे हैं. हाँ, मियां वाली मछली बेच रहे हैं. जंग से इनका ताल्लुक है और मियां वाली मछली बेच रहे हैं. और आप जंग से भी, जंग से इस मोटरसाइकिल पे आए हैं? जंग से तो कितनी देर लगी आपको? एक दिन. और ये सारा सारा सामान इस तरह रख के लेके आए? जी जी, सारा सामान रख के हैं. और 10-12 आदमी इसके ऊपर? नहीं नहीं, और एक एक आदमी का एक एक. अच्छा, एक एक ठेला. अच्छा, 12 ठेले हैं. सही. तो दिन में आप इसका 6,000-1,000 बना लेते हैं? जी, 6,000 बन जाते हैं. ये तो ठीक ठाक पैसे बना लेते भाई. सारे यार बच्चे 6,000 बना रहे. तू मैं खा रहा हूं चंगे. सारे 6 बच्चे तो कितने? 6,000 बच्चे. 1,000 1,000 मैंने मैं पसंद नहीं. मैं ठीक है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ये भी बहुत करीब लग गया. हमने बीच में से कुछ स्टेप मिस कर दिए. पसीने मामू, ए दसों ने की पाया जे? इसमें सबसे पहले प्याज डाले हैं. ठीक है. प्याज के बाद जनाब हमने गोश्त डाला है, लहसुन डाला है, फिर मिर्चे डाली है, दही डाली है, टमाटर डाले हैं और नमक डाल के भलाई का काम शुरू है. अच्छा, ये बताएं कि ये जो पतीला बन रहा है, ये कितने आदमी आराम से खा लेंगे? 60-70 आदमी.
ये जी मामू ने खाना कर दिया तैयार। A few moments later. भाई परवेज, आशिर अदील, नुमान और मैं, हम अभी जा रहे हैं होटल स्टेज देखने। आपको भी स्टेज दिखाते हैं और बाकी कुछ और अरेंजमेंट्स। तो ये होटल है जहाँ पे रिजवान भाई ने अब बर्थडे का एक प्रोग्राम जो है ना वो अरेंज किया है, और ये हमारा खाने वाली साइड है, और ये जो है गेस्ट आएंगे उनके बैठने की चेयर्स हैं। स्टेज के बारे में क्या कहना है? अभी स्टेज जो है अभी अनकम्प्लीट है, लेकिन अभी वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए। भाई हम आपको दिखाते हैं, ये स्टेज है जहाँ पे केक काटा जाएगा, सेलिब्रेशन होगी केक की, और ये इंटर साइड है। बाकी बलून वगैरह लगे होंगे शाम पीछे जाएगा A few moments later. अच्छा जी, तो फाइनली हम तैयार हो के और अब जा रहे हैं रॉयल जहाँ पे हमने बर्थडे का अरेंजमेंट किया है, और ये नयारा है। Say hi. You look so cute. अतारा अदनान, हाय बोलो। हाय। इसने भी मेकअप किया है ना? मेरा फोटो शूट मम्मी, रिहाना, खाड़ला, नयान। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पर, फोटो शूट होगा और फिर आपको दिखाते हैं बाकी भी प्रोग्राम साथ साथ। A few moments later. A few moments later.